करते हैं बहुत अच्छे होंगे। अभी आप लोग का क्लास नंबर सिस्टम का चल रहा है, जिसके अंतर्गत आपका 16वां क्लास होगा, 15 क्लास आपका ले चुके हैं, और अभी जो क्लास नंबर सिस्टम के अंतर्गत आपका रिमाइंडर थ्योरम चल रहा है, जिसका आज 8वां क्लास होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग 7 क्लास जो आपका रिमाइंडर थ्योरम का ले चुके हैं, उसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से किए होंगे, क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला है वो उसी सारे क्वेश्चनों के बेस के आधार पर होने वाला है। तो अगर जो बच्चे अभी तक बैक क्लास नहीं किए हैं, वो बैक क्लास पार्ट 1 पार्ट 2 रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत पार्ट 1 पार्ट 2 से होते हुए पार्ट 7 तक जरूर कर लीजिए, क्योंकि वो करने के बाद ही आज का क्लास आपको समझ में ज़्यादा बेहतर तरीके से आने वाला है। और खास करके आज जो क्लास होगा, देखिए फंडामेंटल जो भी क्वेश्चन थे वो करवा चुके हैं, अब जो क्वेश्चन होगा थोड़ा हाई लेवल का होगा, वो हाई लेवल तभी समझ में आएगा जब आपका बैक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो या आपका पहले कुछ पढ़ा हुआ हो। तो उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे पीछे 7वें पार्ट को पढ़े होंगे, और खास करके आज का जो कॉन्सेप्ट है वो पार्ट 2 पर डिपेंड ज़्यादा है। जो पार्ट 2 आप लोग का लिए थे वो प्री लेवल तक का लिए थे, आज उसी पर थोड़ा हाई लेवल के सवाल को सॉल्व करेंगे। जो नहीं किए हैं पार्ट 2 का अध्ययन अभी तक, वो पहले पार्ट 2 का अध्ययन कर लीजिए, फिर इस पार्ट पे आइए, क्योंकि तब समझ में आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आएगा। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा फंडामेंटल आपका मजबूत होना चाहिए, और नहीं भी है तो भी हम प्रयास करें कि आपको यहाँ से हम समझा दें, तो पेशेंस बना के रखिएगा। आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने रखने वाले हैं, जो प्योर मेन्स एग्जाम में आपको आने वाले हैं। तो बस आपका साथ चाहिए, नियमित क्लास कीजिए और पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। और आज बहुत ही औसम कॉन्सेप्ट आपको और बहुत बड़े बड़े सवाल आपको आज करवाने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग का साथ बना हुआ रहेगा और क्लास का आप लोग आनंद लेते रहेंगे। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर, क्वेश्चन नंबर 173 से आज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम पार्ट 2 के क्वेश्चन को थोड़ा क्लियर कर दें। मैं बताए थे कि ए पे पावर एन प्लस बी पे पावर एन में ए प्लस बी से भाग लगता है, पूरा का पूरा विभाज जो होता है मतलब रिमाइंडर 0 का होता है जब एन क्या हुआ आपका ऑड नंबर। ए पे पावर एन माइनस बी पे पावर एन में ए माइनस बी से भाग लग गया है, कब भाग लग रहा है मतलब रिमाइंडर 0 का होगा आपका, जब एन क्या हो आपका ऑड नंबर हो, मतलब ए पे पावर एन प्लस बी पे पावर एन, अगर एन विषम संख्या है तो भी ए प्लस बी से लगेगा। ए पे पावर एन माइनस बी पे पावर एन ए माइनस बी से लगेगा, जब एन एक विषम संख्या है तो भी ए माइनस बी से लगेगा। अगर ए पे पावर एन माइनस बी पे पावर एन हो और n आपका एक इवेन नंबर हो, इवेन नंबर का मतलब सम संख्या हो, उसमें a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाज्य होता है, मतलब रिमाइंडर क्या होता है 0 होता है। यहीं पर अगर आपको ये कहे a पर पावर n प्लस b पर पावर n और n आपका एक इवेन नंबर हो, तब किस चीज होगा ये आप कह नहीं सकते, क्योंकि इसका कोई भी फैक्टर बनने वाला नहीं होता। तो मतलब सम वाला में माइनस का टर्म रहेगा तो भी कह सकते हैं, प्लस में इसका कोई फैक्टर नहीं बनता, उसको आपको फंडामेंटल सॉल्व करना पड़ता है, उसे सवाल एग्जाम में नहीं आते, इसको ख्याल रखिएगा। इस तीन टॉपिक को आप लोग रखिए, अगर ध्यान में है तो देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा सा है, कह रहा है x पावर n माइनस, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कह रहा है x पावर n माइनस a पे पावर n x माइनस a से विभाजित होगा, कब होगा x माइनस a से विभाजित, जब क्या देखिए जब n क्या है a प्लस b है, यहां माइनस देखिए माइनस वाले टर्म में a माइनस b से भी भाग लग रहा है आपका और a प्लस b से भी भाग लग रहा है, तो क्या कह रहा है a माइनस b से भाग कब लगेगा, मेरी बात समझिए, अगर n आपका ऑड नंबर है फिर भी a माइनस b से भाग लग रहा है, अगर n आपका इवन नंबर है फिर भी आपका a माइनस b से भाग लग रहा है, मतलब n अगर ऑड हो फिर भी भाग लग जाएगा, n अगर इवन हो फिर भी लग जाएगा, और n अगर प्राइम हो तो प्राइम नंबर होता है वो या तो ऑड होता है या इवन होता है फिर भाग लग जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया ऑल ऑफ दीज, मतलब क्या है n के सभी मानों के लिए, n के सभी प्राकृतिक संख्याओं के सभी मानों के लिए, चाहे वो सम हो विषम हो कुछ भी हो, उसके लिए हमेशा ही x पर पावर n माइनस a पे पावर n में हमेशा ही क्या होगा x माइनस a से विभाज्य होगा। तो क्या देखें हम x माइनस देख रहे ना, माइनस है तो माइनस से भी लग रहा है और सम में भी लग रहा है, n का पावर विषम है फिर भी a माइनस b, n का पावर इवन है फिर भी आपका a माइनस b से लग रहा है, इसका कहने का मतलब ये हो गया x पर पावर n माइनस a पर पावर n, जहां n आपका एक सम संख्या हो या n विषम संख्या हो या n अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या दो को छोड़कर सब विषम ही होता है, फिर भी यहां लिख दिए n क्या हो एक प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या हो, मतलब n के सभी मानों के लिए x पर पावर n माइनस a पर पावर n क्या होगा x माइनस a से विभाज्य होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा, लेकिन आप लोग पार्ट इसका जरूर एक बार देख लीजिए, क्योंकि वहां भी बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन को करवाएं, तो वो देखने के बाद यहां इस क्लास को समझने में आपको क्या होगा आनंद ज्यादा तरीके से आएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है 10 पे पावर n माइनस 1 11 से विभाजित होगा, कब, जब n एक सम संख्या हो n एक विषम संख्या हो या एक विषम या विषम दोनों में हो या ऊपर में नन ऑफ द जिनमें से कोई नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 10 पे पावर n माइनस एक, ये आपको 11 का मतलब क्या हो गया 10 प्लस 1 से विभाजित कब होगा,
कब होगा? जब ए पर पावर एन माइनस बी पे पावर एन, एन कह सकते हैं। ए प्लस बी से विभाजित कब होता है? जब एन क्या हो आपका, एक एन आपका क्या हो, इवेंट नंबर हो। एन आपका अगर इवेंट नंबर है, ये क्या होगा आपका, 10 में से 9 से विभाज्य होगा, और ये आपका 10 से 11, 9 और 11 दोनों से विभाज्य होगा। लेकिन आपको क्या कह रहा है, 10 पे पावर एन माइनस एक 11 से विभाजित होगा। 11 मतलब क्या, ए प्लस बी से विभाजित कब होगा, ए पर पावर एन माइनस बी पर पावर एन। ए प्लस बी से विभाजित कब होता है, जब एन क्या हो आपका, एक इवेंट नंबर हो। ऑप्शन नंबर एक ही आपका सही होगा, या एन क्या होना चाहिए, एक इवेंट नंबर, ऑड पे नहीं। ऑड अगर ये होगा हमेशा 10, अगर ये ऑड हुआ, अगर एन आपका ऑड नंबर है हमेशा, ए पे पावर एन माइनस बी पे पावर एन, अगर ये ऑड नंबर हुआ एन आपका हमेशा, ये ए माइनस बी मतलब वो 9 से विभाजित होगा। लेकिन अगर 11 से हो रहा है, इसका मतलब है कि वो संख्या क्या होगा आपका, सम होगा। अगर सम होगा तो 9 से भी होगा और 11 से भी होगा। तो प्रश्न में आपको ये कहा है कि 10 पे पावर एन माइनस एक किससे विभाजित होना चाहिए, 11 से विभाजित कब होगा, जब एन आपका क्या होगा, एक सम। एन सम संख्या होने पे ही ए प्लस बी से क्या होता है, वो विभाज्य होता है। और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान है। 37 पावर 29 प्लस 21 पे पावर 29 में जब 29 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। अब देखिए यहाँ मेरी बात समझिएगा, क्या होगा, ए पे पावर एन, हम दो तरीका सॉल्व कर देते हैं आपको। पहला मेथड, अगर ये ए पे पावर एन प्लस बी पे पावर एन है, इसका मतलब है एन आपका क्या है, एन आपका यहाँ पे क्या है आपका, एक ऑड नंबर है। ये किससे विभाजित होगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया आपका, 37 प्लस 21 मतलब कितना हो गया, 7 × 8 3 × 2 = 58। 58 का मतलब क्या है, उस संख्या में कितना से भाग लग रहा है, 2 और 29 से भाग लगेगा। अगर किस संख्या में 28 से 58 से भाग लग रहा है, मतलब उस संख्या में 2 से ही भाग लगेगा और 29 से ही भाग लगेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं 29 से भाग लगाएंगे रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका, बताइए। इस प्रकार से रिमाइंडर क्या हो गया, जीरो। बस ए पे पावर एन प्लस बी पे पावर एन, एन आपका एक वॉट नंबर हो तो ए प्लस बी से पूरा का पूरा भाग लगता है, मतलब 37 + 21 अर्थात 58 से भाग लग रहा है। अगर 58 से भाग लग रहा है, इसका मतलब उस संख्या में 2 से भी भाग लगेगा और उस संख्या में आपको 29 से भी भाग लगेगा। देखो दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, इसका सेकेंड मेथड क्या है। देखिए जो बताएं आपको पीछे टोसेंट मेथड फॉर्मेट, 29 आपका क्या है, एक 29 आपका क्या हुआ, एक प्राइम नंबर है, एक कम कर देंगे। क्या बताएं, 3 पे पावर 29 का टोसेंट 28, 28 से भाग देंगे रिमाइंडर एक, क्या हो गया आपका 37। यहाँ भाग करेंगे रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 21 लेना हो जाएगा बटा 29, ये क्या हो जाएगा आपका 58 / 29। इसका मतलब हो गया रिमाइंडर कितने का हो गया, रिमाइंडर आपका 0 का हो गया। बात समझ रहे हैं हमारी, दो तरीका से बता रहे, एक ए पे पावर है, एक टोसेंट मेथड या फॉर्मेट मेथड भी आप कह सकते हैं। 29 एक प्राइम नंबर, एक कम इसका टोसेंट होता है 28, 28 का टोसेंट 28 से भाग करेंगे रिमाइंडर एक, माइनस 37 हो जाएगा, 28 से भाग रिमाइंडर एक, पावर एक यहाँ का 21 होगा। इस प्रकार से आपका रिमाइंडर क्या हो गया, 0 का हो गया, मतलब इस संख्या में हमेशा क्या होगा, 29 से पूरा का पूरा भाग लेगा। और दो को समझिए क्या है, एक और तरीका हो एक्स्ट्रा समझा रहे, इस क्वेश्चन से कोई लेना देना इसका नहीं है। अगर ये कहे कि 37 पावर 29 + 21 पावर 29 में क्या 2 से भाग लगेगा, क्या 2 से भाग लगेगा, आप खुद बताइए, मेरी बात समझिएगा। यही सवाल रहता 37 पे पावर 29 + 21 पे पावर 29 में 2 से भाग लगेगा कि नहीं, हम एक एक्स्ट्रा समझा रहे हैं, आगे यूज होगा आपको 2 से भाग। आप तो कहेगा यहाँ तो प्लस माइनस कुछ था ही नहीं, तो बड़ी बात नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं आपको। देखिए ये क्या हो गया, ऑड, ऑड पे पावर कुछ भी आपको पता होगा, पहले भी बताएं, ऑड पे पावर कुछ भी आपको ऑड देता है, इवन पे पावर कुछ भी आपको इवन देता है। ये ऑड पे पावर कुछ भी क्या देगा, ऑड देगा, इवन पे पावर कुछ भी, सॉरी ऑड, ऑड पे पावर कुछ भी क्या होगा, ऑड होगा, जो 2 से भाग करना। और आप जानते हैं ऑड प्लस ऑड, ये चीज आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं है पता तो नोट कर लीजिएगा, ऑड प्लस ऑड बराबर इवन होता है, ऑड प्लस इवन बराबर ऑड होता है, इवन प्लस इवन बराबर इवन होता है। इसको आप लोग ख्याल में रखिएगा, मतलब क्या, ऑड प्लस ऑड आपका क्या होगा, इवन हो गया। और किसी भी सम संख्या में अगर 2 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर उसका 0 होता है। हम इस एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको आगे बताने वाले हैं, इस चीज को समझिएगा हमें क्यों बताएं। 37 से पावर 29 21, सवाल आपका यही खत्म है, ये सवाल आपका एक्स्ट्रा समझाने के बताएं। 37 से पावर 29 है, ये आपका और दे देगा, 21 पावर 29 ये भी आपका ऑड प्लस ऑड इवन होता है। इवन संख्या में जब भी 2 से कोई भी सम संख्या में अगर 2 से भाग किया जाए रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आज हम आपको देने वाले हैं, बस थोड़ा इंतजार कीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा है। 13 पे पावर 8 - 11 पे पावर 8 इनमें किससे विभाज्य होगा, क्या देख रहे हैं यहाँ, ए पे पावर एन माइनस बी पे पावर एन, ए पे पावर एन माइनस बी पे पावर एन, जहाँ एन एक सम संख्या हो, ये हमेशा किससे विभाज्य होता है, ए प्लस बी से होता है और ये ए माइनस बी से होता है। मतलब कितना हो गया, 3 × 4 = 1, 2
24 और 13 माइनस से 11 मतलब कितना हो गया 2। अब ना ही यहाँ पर 24 है ना ही 24 का कोई फैक्टर है और ना ही 2 है, अब क्या किया जाए। यही समझाना था आपको कि a पे पावर n माइनस b पे पावर n, n आपका एक इवन नंबर है तो a प्लस b से ही भाग लगता है और a माइनस b से ही भाग लगता है, मतलब 13 प्लस 11 से भी लगेगा, 13 माइनस 11 से भी लगेगा। इस प्रकार से क्या देखिए 24 से और 2 से भाग लग रहा है, 24 2 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या किया जाए। थोड़ा सा बात समझिएगा, देखिए यहाँ इस चीज को थोड़ा, जब सम संख्या हो उसके कई पॉसिबिलिटी होते हैं होने के, इसको हम कह सकते हैं कि 13 पे पावर ये 18 का स्क्वायर माइनस 11 पे पावर 4 का स्क्वायर, कह सकते हैं ऐसा आराम से कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, मेरी बात समझिएगा, 13 पे पावर 4 प्लस 11 पे पावर 4 इंटू 13 पे पावर 4 माइनस 11 पे पावर 4 कह सकते हैं। अब देखिए थोड़ा इसको सोचा जाए, ये क्या होगा आपका 13 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है बात आपको, आ रहा होगा। बस इसका स्क्वायर किया, 13 स्क्वायर का होल स्क्वायर, 11 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मेरी बात समझिएगा, ये क्या हो गया, कुछ भी हो 13 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 13 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 169। 13 का स्क्वायर होता है, जगह से नीचे नहीं दिख रहा होगा, 169 और 11 का स्क्वायर होता है 121। अगर इसको ऐड कर देते हैं, इसको अगर ऐड किया गया तो क्या मिलेगा, 9 1 10 9 1 10 6 2 8 1 9 1 1 2 मतलब 229। इसका मतलब हो गया कि इसका एक इस संख्या का एक फैक्टर अगर सॉल्व किया गया, एक फैक्टर क्या मिला आपको 290। 290 का मतलब है अगर किस संख्या 290 से भाग लग रहा है, इसका मतलब है उस संख्या में कितना से भाग लग रहा है, 29 से भाग लग रहा है, क्योंकि 290 का दो फैक्टर, एक 10 ले लीजिए और एक 29 ले लीजिए। अगर किसी संख्या में 290 से भाग लग रहा है, इसका नहीं दिख रहा है, अगर किसी संख्या में 290 से भाग लग रहा है, इसका मतलब उसमें 29 से ही भाग लग रहा है और उसमें आपको 10 से भी भाग लग रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं दी गई संख्या में किससे भाग लगेगा, तो 29 से भाग लगेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा, एक बार में नहीं दिखा, थोड़ा आगे बढ़ के सोचे, फैक्टर करके देखे क्या मिला हमें, यहाँ पर ये बात मिल गया आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है, 8 पावर 2 के प्लस 5 पावर 2 के का एक गुणनखंड क्या हो, क्या होगा इस चारों में से, जहाँ की क्या एक विषम संख्या है। अब देखिए ये तो आपको दिख रहा है, आप जानते होंगे ये 2 के अगर किसी भी ऑड नंबर में अगर इवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन हो जाता है, इसको आपको पता होना चाहिए, होगा भी पता देखिए। लेकिन अगर यहाँ पे इवेन है, अगर ये इवेन है पूरा, ये पूरा इवेन हो गया, हम जानते हैं ए पे पावर एन प्लस बी पे पावर एन का कोई अपना फैक्टर तो होता ही नहीं है, तब तो सॉल्व भी नहीं होगा। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, इसको हम क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा सोचिएगा, क्या इसको हम कह सकते हैं 8 का स्क्वायर के प्लस 5 का स्क्वायर के कह सकते हैं, क्योंकि ए पे पावर एम ब्रैकेट में अगर एन होती है होता है ए पर पावर एम गुना एन, ये सब आप लोगों को घातांक करने स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। और देखिए 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, 64 के 5 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 25 के। अब तो ए पे पावर एम प्लस बी पे पावर एन, जहाँ एन क्या है आपका एक विषम संख्या है, ये आपका विषम है, इसका मतलब है ये किससे विभाज होगा 64 प्लस 25, इसका मतलब है 5 4 9 6 2 8 दी गई संख्या किससे विभाज होगा 89। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 या डी आपका उत्तर होगा। दिख नहीं रहा था लेकिन थोड़ा दिमाग का बताए ना, थोड़ा लेवल आगे बढ़ाना है आपको, दिख नहीं रहा है थोड़ा एक्स्ट्रा सोचे, हमें क्या दिख गया कि ये तो आपका एक विषम संख्या का पावर बन गया, तो बन गया तो उसका जो ए प्लस बी से विभाज होगा, ए प्लस बी का मतलब 89, 89 से विभाज होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी आपका उत्तर हो गया। आगे बढ़ते, देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा सवाल है, क्या कर रहा है, एक्स पावर 29 माइनस एक्स पावर 26 माइनस एक्स पावर 23 प्लस 1 निम्न में किससे विभाज है। ये सब जो टर्म है, या तो यहाँ एक्स एक पावर एन के फॉर्म में भी नहीं दिख रहा है, तो समस्याएं हो रही है हमारे लिए, है कि नहीं है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस बात को समझना है आपको, दी गई संख्या किससे विभाज हो, क्योंकि यहाँ कोई पावर का टर्म नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा सोचिएगा जो बता रहे हैं, ध्यान समझिए, क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है आज आप लोगों का। देखिए यहाँ इसको हम क्या कहेंगे, अगर यहाँ से हम एक्स पावर अगर एक्स पावर 23 है ना, यहाँ पे अगर एक्स पावर 23 कॉमन कर लेते हैं तो एक्स पावर 6 माइनस 1, इस दोनों के बारे सोचिए तो एक्स पावर 23 कॉमन करेंगे एक्स पावर 6 माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए माइनस, अब यहाँ क्या हो गया आपका एक्स पावर 26 अगर यहाँ निकाल लेते हैं तो माइनस क्या होगा, यहाँ 1 हो जाएगा। बहुत गहराई वाला प्रश्न है, ध्यान समझिएगा इसको, कि अगर इस दोनों में से एक्स पावर 23 कॉमन कर लें, 23 कॉमन 23 29 एक्स पावर 6 हो जाएगा और माइनस 1 यहाँ होगा ना, 23 कॉमन कर लिए माइनस 1, ये दो टर्म बच गया, इसमें से माइनस कॉमन कर लिए एक्स पावर माइनस 26 और माइनस 1। अब इस टर्म को जब इस प्रकार से हम लिखे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा बात को, अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन एक बात समझ में आ चुका है, ये क्या है एक्स पावर एन माइनस बी एक्स पावर एन माइनस
वाई पे पावर है, ए पे पावर है, माइनस बी पे पावर है, लेकिन कुछ नहीं पावर, क्या पावर इसका हम 6 कह सकते हैं, ए के पावर कुछ भी कह दे, अगर यहाँ भी कुछ नहीं दिख रहा है, ए के पावर 26 कह सकते हैं, कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ, यहाँ भी फैक्टर आपका एक्स पावर एन माइनस वाई पे पावर एन, जहाँ एन आपका एक सम संख्या है, मतलब ये पूरा टर्म किससे विभाजित हो जाएगा, एक्स प्लस वन से और एक्स माइनस वन से, ये पूरा टर्म। ये भी देखिए x पावर n y पावर n, दोनों क्या है आपका सम संख्या, सम है ना, दोनों पावर n है आपका, अगर पावर n सम हो, ये भी विभाज्य होगा x प्लस वन से और ये भी विभाज्य होगा x माइनस वन से, अगर दोनों में कॉमन करेंगे तो x प्लस वन और x माइनस वन दोनों का फैक्टर बनेगा, अगर निकालेंगे x प्लस वन से भी विभाज्य हो जाएगा, x माइनस वन से विभाज्य होगा, इसका मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका, उत्तर हो गया। बहुत अच्छा सवाल था ये, x पावर 1 x माइनस 1 इसका फैक्टर है, वही फैक्टर इसका भी है, जैसे कि दो टर्म है 16 है और यहाँ हमारे 24 है, ये 4 से विभाजित होगा या 8 से होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसमें भी आपका 8 छिपा हुआ है और इसमें भी आपका 8 छिपा हुआ है, लेकिन 3 की बात होगी, 3 यहाँ से होगा यहाँ से नहीं होगा, अगर इसके योगफल में हम कहीं 3 से भाग लगेगा, कहेंगे नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि इसमें तो 3 से लगेगा बट यहाँ लगेगा नहीं तो बच जाएगा आपका, लेकिन अगर 8 से कहेंगे तो भाग लग जाएगा, क्योंकि 8 क्या है दोनों में है, कॉमन होगा, 8 से भाग लग के रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, वही बात यहाँ भी है, x प्लस वन एक्स माइनस वन यहाँ भी है, x प्लस वन एक्स माइनस वन यहाँ भी, दोनों को कॉमन कर लेंगे, मतलब है जो कॉमन करके निकालेंगे मल्टीपल उसमें x प्लस वन से ही भाग लग जाएगा और x माइनस वन से ही भाग लग जाएगा, क्योंकि दोनों जो है दिए गए टर्म का क्या है फैक्टर है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका उत्तर, उम्मीद करते समझ में आया होगा, बहुत अच्छा सा सवाल आज हम लोग देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, 13 पे पावर 51 प्लस 14 पे पावर 51 प्लस 15 पे पावर 51 प्लस 16 पे पावर 51, मतलब क्या हुआ समझिएगा, इज डिविजिबल बाय, ऑप्शन दिया हुआ है किससे होगा, देखिए 13 पे पावर 51 प्लस, फिर से लिख देते हैं इसको, 14 पे पावर 51 प्लस 15 पे पावर 51 प्लस 16 पे पावर 51 में, देखिए अगर देखा जाए यहाँ पे 16 3 19 ए पे पावर एन प्लस बी पे पावर एन, मेरी बात समझिएगा, ए पे पावर एन प्लस बी पे पावर एन किससे विभाज्य होगा, 13 प्लस 16, मतलब क्या हो गया आपका 13 प्लस 16 29 विभाज्य हो जाएगा, अभी नहीं कह सकते हैं। फिर आगे देखिए यहाँ, इसको भी देखिए आप, अगर इसको जोड़ेंगे ए पे पावर एन प्लस बी पे पावर एन, ए पे पावर एन प्लस बी पे पावर एन, ये भी क्या होगा आपका ए प्लस बी से विभाज्य होगा, मतलब 14 प्लस 15 से विभाज्य होगा, इसका मतलब यहाँ भी कितना आया 29 29 29 का दो फैक्टर है, 29 कॉमन हो जाएगा, 29 यहाँ भी फैक्टर बनेगा, इस दोनों का फैक्टर भी 29 निकालेंगे, दोनों का फैक्टर भी 29 निकालेंगे, इसका मतलब 29 फैक्टर बन गया टोटल का, इसका मतलब दी गई संख्या में 29 से भाग लग रहा है, एक तो बात क्लियर है संख्या में किससे भाग लग रहा है 29 से भाग लग रहा है, लेकिन ऑप्शन में 2 भी कह रहा है, क्या ये हो सकता है, देखना है यहाँ क्या करेंगे, मेरी बात देखिए, दूसरा तरीका क्या है देखने का, देखिए ये 13 ऑड पे पावर कुछ भी ऑड हो जाएगा, इवन पे पावर कुछ भी इवन हो जाएगा, ऑड पे पावर कुछ भी ऑड हो जाएगा, इवन पे पावर कुछ भी आपका इवन हो जाएगा, अगर सबको जोड़ेंगे ऑड प्लस इवन आपका ऑड प्लस ऑड इवन, इवन प्लस इवन आपका इवन, अगर कोई संख्या का योगफल अगर इवन मिल रहा है इसका मतलब है कुछ संख्या में किससे भाग लग रहा होगा, इसका मतलब है कुछ संख्या में किससे भाग लगेगा 2 से भाग लगेगा, अर्थात उसमें क्या लगेगा 2 से ही भाग लग रहा है, इसका मतलब है इस संख्या में से 29 में ही भाग लग रहा है 2 से भी लग रहा है, मतलब बोथ बी और सी, अच्छा लिखना छूट गया होगा, बोथ बी ए एंड बी, बोथ ए एंड बी दोनों से इसमें क्या होगा भाग लग जाएगा, मेरी बात समझिएगा कि ए पर पावर एन बी पे पावर एन, इसका फैक्टर आपका 13 प्लस 16 हुआ, इसका एक फैक्टर आपका 14 प्लस 15 हुआ, इसका भी एक फैक्टर 29, दोनों 29 निकालेंगे, मतलब पूरे टर्म में 29 से क्या होगा पूरा का पूरा भाग लग जाएगा, और फिर दो देखिए तो दो से लग रहा है कि लग रहा है ये पता कैसे करेंगे, क्या देखिए ये ऑड का पावर है इवन है सबका ऑड का पावर ऑड इवन ऑड की क्या देखिए लास्ट में इवन मिला, अगर किस संख्या में योगफल इवन मिलता है मतलब है कुछ संख्या में किससे भाग लगेगा 2 से भाग लगेगा, अर्थात रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया, मतलब दी गई संख्या में 29 से भाग लग रहा है और आपका 2 से भाग लग रहा है, लेकिन देखिए यहीं पर एक बात आपको बता देते हैं, कुछ टीचर या कुछ कॉन्सेप्ट में ऐसे बताया जा रहा है जो गलत है, क्यों गलत है समझिएगा, कह देंगे कि यहाँ भी आपका 29 था यहाँ भी आपका 29 था यहाँ भी 29 यहाँ भी 29 है 29 29 जोड़ देंगे 58 हो गया इसे 2 से भाग लग रहा है, नहीं वो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 29 29 जोड़ देने से नहीं होता, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे वहां समझ में आएगा कि केवल पावर रहने से नहीं होता, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है, यहाँ 29 लगा यहाँ भी 29 लगा मतलब दी गई संख्या 29 से भाग लग रहा है, फिर देखा गया 2 से 2 से यहाँ भी लग रहा है 2 से यहाँ भी, सबको जोड़ें और इवन करके क्या देखिए हमें रिमाइंडर 0 का मिला, मतलब दी गई संख्या 29 से भाग लग रहा है और दी गई संख्या में आपको 2 से ही भाग लग रहा है, इसका मतलब एक ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन सी होगा आपका बोथ ए एंड बी, उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, 16 पे पावर 41 प्लस 17 पे पावर 41 प्लस 18 पे पावर 41 प्लस 19 पावर 41 में अगर आपको 70 से भाग देना हो तो रिमाइंडर क्या होगा,
सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे 16 19 दोनों को जोड़ा गया 16 प्लस 19 कितना से भाग लग रहा है इसका मतलब 16 प्लस 19 बराबर कितना हो गया 35 मतलब ये दोनों को देखा गया फैक्टर पहले मतलब 35 से भाग लग रहा है। ये दोनों को अगर देखा जाए ए पर पावर है प्लस बी पे पावर है ए प्लस बी से भाग लग रहा है मतलब किससे भाग लग रहा है 35 से भाग लग रहा है। इसका मतलब ये मत कर दीजिएगा कि ये भी 35 से और ये भी 35 से और 70 बटा 70 बराबर रिमाइंडर 0 ऐसा नहीं करना है ये गलत है यही हमें समझाना है। ये मत कीजिएगा कि दोनों को जोड़े 35 आया ये 35 से भाग लग रहा है 35 रिमाइंडर थोड़ी ना इसका बस रहा है पूरे को काट के रिमाइंडर लिख देंगे। ये क्या होता है आप यहाँ ऐसे मिला देंगे 70 क्यों ऐसे मिलेगा हम बताएंगे आपको क्यों 70 देके बच्चे खुश हो जाते हैं 70 होता है 70 नहीं होगा वजह क्या है समझिएगा। ये भाई ये 35 इसका रिमाइंडर थोड़े ना 35 तो इसका क्या एक फैक्टर बन रहा है 35 और इसका भी एक फैक्टर बन रहा है 35 मतलब क्या 35 से भाग लग रहा है दोनों का इस टर्म का भी फैक्टर 35 इस टर्म का भी फैक्टर 35 है मतलब 35 से भाग लग रहा है बात समझ 35 से भाग लग रहा है मतलब ये थोड़ी ना कि 70 से भाग लग जाएगा मतलब यह है कि 35 से भाग लग रहा है तो ये नहीं कर सकते ये तरीका हमारा गलत है। ये नहीं कि इसका भी 35 ये भी 35 दोनों को जोड़ के भाग कर दे ये गलत है करना क्या है वो समझिए। देखिए यहाँ मेरी बात को इसका भी फैक्टर 35 है इसका भी फैक्टर 35 है तो करना क्या है आपको क्या होगा रिमाइंडर तो ध्यान दीजिएगा ये तो क्लियर हो गया इसका फैक्टर 35 का फैक्टर 35 मतलब इस संख्या में किससे भाग लग रहा है 35 से भाग लग रहा है क्योंकि इसका भी एक फैक्टर आपका 35 इसका एक फैक्टर 35 बन रहा है तो पहला भी है कि 35 से भाग लग रहा है इसमें। दूसरा हम क्या देख रहे हैं इसमें कि देखिए इवन प्लस ऑड दूसरा देखिए इवन प्लस ऑड प्लस इवन प्लस ऑड इवन प्लस ऑड आपका हो गया ऑड प्लस इवन आपका ऑड प्लस ऑड आपका क्या हो गया इवन हो गया इसका मतलब इसमें कितना से भाग लग रहा है 2 से ही भाग लग रहा है मेरी बात समझिएगा। यहाँ इस टर्म में क्या देखिए 35 है यहाँ भी 35 है तो 35 इसका भी एक फैक्टर है इसका भी फैक्टर है 35 तो 35 ऑटोमेटिक इसमें भाग लगेगा आपका। और फिर दूसरा कॉन्सेप्ट में देखिए इवन प्लस ऑड प्लस इवन से क्या पाया गया कि इसमें 2 से ही भाग लगेगा क्योंकि इसका योगफल हमेशा क्या मिलेगा सम संख्या मिलेगा। अगर किसी संख्या में 35 से भी लग रहा हो 2 से ही भाग लग रहा हो इसका मतलब है उस संख्या में किससे भाग लगेगा 35 गुना 2 बराबर 35 गुना कितना हो गया 70 इसका मतलब है कि 70 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। ये कभी मत कीजिएगा ये भी 35 जोड़ दे नहीं होगा ये बस इसलिए 2 से भाग लग रहा है क्योंकि 2 एक सम संख्या है और सम संख्या की वजह से 2 से भाग भी लग रहा है इसका मतलब 35 से भी लगेगा और 2 से भी लगेगा मतलब क्या होगा 70 से भाग लगेगा इसमें। मेरी बात ये समझ जाइए नहीं इसका भी 35 का 35 जोड़ दिए काम खत्म यहाँ पे कर देंगे 31 यहाँ पे कर देंगे आपको मानते 39 क्या फिर भी हो जाएगा गलत हो जाएगा इस चीज को समझिएगा। ये नहीं कि सबके रिमाइंडर रिमाइंडर ये नहीं आता ये क्या 35 ये 35 का एक फैक्टर है और बहुत बच्चे रिमाइंडर समझ के लिख देते हैं दोनों को जोड़ के काट देते हैं ये गलत है क्योंकि 35 इसका फैक्टर है ना कि रिमाइंडर है। हमें ये पता चल रहा है कि इस टर्म में 35 सबका एक फैक्टर बनेगा इसका भी एक फैक्टर 35 है मतलब 35 से भाग लगेगा इसमें 35 से भाग लग रहा है मतलब पूरे में 35 से भाग लग रहा है लेकिन हमको भाग 70 से लेना है मतलब 2 और अगर लग रहा होता तो क्या देखिए हम इवन ऑड करके पाया गया ये और से ही भाग लग रहा है मतलब 35 से ही भाग लगेगा 2 से ही भाग लगेगा मतलब सब मिला कितना से भाग लग रहा है 70 से इसमें भाग लग रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा है 4 पावर 3 प्लस 5 पावर 3 प्लस 7 पावर 3 प्लस 7 पावर 3 तो ए पे पावर एन प्लस बी पे पावर एन ए पे पर इसका मतलब हो गया 8 4 12 मतलब इस संख्या में कितना से भाग लग रहा है 12 से लग रहा है। यहाँ भी देखेंगे ए पर पावर एन प्लस बी पे पावर एन इसमें 5 प्लस 7 मतलब कितना 12 से भाग लग रहा है इसका भी फैक्टर 12 इसका भी फैक्टर 12 12 कॉमन करेंगे मतलब कितना से भाग लगेगा 12 से ये भी खत्म 12 से ये भी खत्म रिमाइंडर कितना हो गया आपका 0 का रिमाइंडर हो गया क्योंकि ये भी फैक्टर आपका 0 ये भी रिमाइंडर आपका 0 का कर देगा और ये भी आपका रिमाइंडर क्या करेगा 0 का कर देगा इसमें जब 12 से भाग करेंगे रिमाइंडर क्या होगा 0 का होगा। लेकिन अगर यहीं पे कहिएगा ये भी 12 और ये भी 12 24 अगर कहेगा भाग करने के लिए मेरी बात समझिए हम आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं ये भी 12 24 से भाग करना होगा रिमाइंडर कह देगा यहाँ 0 लेकिन आप करके देखिए कभी रिमाइंडर 0 इसका नहीं होगा कभी भी इसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा। आप सॉल्व करके देखिएगा 24 से भाग दीजिए कभी रिमाइंडर 0 आने वाला यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा क्योंकि ऑटोमेटिक है जोड़ करके नहीं ये 12 जो है आपका ये 12 क्या है आपका इसका एक फैक्टर है तब 12 से भाग लग रहा है इसका एक फैक्टर है 12 से भाग लग रहा है ये नहीं कि 12 रिमाइंडर है रिमाइंडर काट के क्या लिखते लास्ट में रिमाइंडर ना लिखा जाता है जितना कट गया वो रिमाइंडर लिखते हैं रिमाइंडर नहीं इसलिए रिमाइंडर आपका क्वेश्चन क्या होगा ये गलत हो जाएगा ध्यान रखिएगा इसका आपको ये फैक्टर है 12 मतलब रिमाइंडर 0 फैक्टर है 12 मतलब रिमाइंडर 0 फाइनल रिमाइंडर क्या होगा 0 का
आपका हो गया। अगर आप इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो आपको लग गया कि 24 से भाग लग जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में 12 से 24 से भाग कर देंगे और आपको एक कॉन्सेप्ट जो आप पढ़े होंगे अगर वो लगाएंगे रिमाइंडर कहेगा जीरो, लेकिन आंसर आपका गलत हो जाएगा। करके देख लीजिए, रिमाइंडर साइन इसका 24 टेस्ट कुछ भी आता होगा करके देख लीजिएगा, रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, आप ये करके देख लीजिएगा। याद रखना है आपको कभी भी रिमाइंडर, कभी भी आप फैक्टर नहीं लिखना है, फैक्टर का रिमाइंडर जीरो दे रहा है, ये भी आपको रिमाइंडर जीरो का दे रहा है, आपका रिमाइंडर क्या हो गया जीरो का हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। 1 के पावर 49 प्लस 2 के पावर 49 प्लस 3 के पावर 49 48 के पावर 49 49 के पावर 49 में आपको 25 से भाग करना है, रिमाइंडर क्या होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन, देखिए यहाँ एक है, अगर इसको दोनों को मिलाया जाए 1 के पावर 49 49 पावर 49 क्या होगा आपका, 1 पे पावर n प्लस 2 पे पावर n। अगर n एक विषम संख्या हो तो उसमें 1 प्लस 49 से भाग लग रहा है, इसका मतलब कितना से भाग लग रहा है, जीरो से भाग लग रहा है। फिर देखिए यह 2 है 3 8 22 दोनों को मिलाएंगे, इसमें भी 2 प्लस 48 मतलब कितना से भाग लग रहा है, 50 से भागने का मतलब है कि 25 से भाग लग रहा है। इस प्रकार से सब मिला के 49 टर्म था ना, सब मिला के कितना टर्म है आपका यहाँ पे, एक हो गया, दो हो गया, सब मिला करके देख लीजिएगा यहाँ पे 49 टर्म होगा। देखिये यहाँ इस प्रकार 2 फिर 3 47 4 बीच में एक फिर मिलेगा आपको क्या 25 पे पावर 49, क्योंकि 26 और 24 का पेड़ तो हो जाएगा, 24 और 26 को 50 कर देगा, बीच में 25 पावर 49 बचेगा, तो इसका भी रिमाइंडर क्या होगा। अगर इसको भी देखा जाए बीच में जो 25 से पावर 49 होगा इसका भी रिमाइंडर क्या होगा, ये आपका 25 में भाग देंगे रिमाइंडर जीरो का, मतलब फाइनली कितना हो गया 0 प्लस 0 टोटल है, टोटल जीरो ही आएगा, फाइनली रिमाइंडर कितने का हो गया, फाइनली रिमाइंडर आपका यहाँ पे जीरो का हो गया। तो उम्मीद करते आपको ये बात समझ में आ रहा होगा, हम आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ 3 और 3 का 47 से 4 का 46 इस प्रकार बढ़ते हुए जाएंगे तो 24 का 26 से होगा, 17 है तो 14 और 16 करके आएगा 17 18, 25 से आपका 25 से भाग करना है 50 कर लेंगे तो 46 और 50 होगा ना, 44 और 46 कर देंगे 40 40 80, और देख लीजिएगा 50 है तो कैसे भाग कर सकते हैं, 50 है तो 25 और 23 प्लस 22 कर देंगे और बीच में क्या मिलेगा आपको 25 का मिलेगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये बात समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ आया फिर समझे, कोई बात नहीं फिर समझा देते हैं इसको। देखिए क्या होगा, 1 2 3 का बीच में लेकर आएगा 24 से पावर 49, फिर आएगा 25 से पावर 49, फिर आएगा 26 से पावर 49, ये भी कितना होगा 20 20 40 10 50 आएगा और एक 25 आपका बच गया, इसका तो कोई पेयर नहीं बन रहा है, यही आपको क्या है एक्स्ट्रा यहाँ पर रखे हैं कि आप अगर ये सबका ये आपका बचा हुआ रहेगा, लेकिन 25 में ही बात करना है, रिमाइंडर क्या देगा आपको जीरो का रिमाइंडर कर देगा, इसका मतलब खाली रिमाइंडर कितने का मिलेगा, जीरो का मिलेगा। उम्मीद करते समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद उसी में अगर 50 कर दे आपको कि 50 से भाग करना है तो रिमाइंडर क्या होगा, कुछ मत कीजिए, इसको मिलाए 50 हो गया, इसको मिलाए 28 2 ये भी 50 पूरा का पूरा भाग लग जाएगा, 24 26 जो पीछे बताए थे कि 24 से पावर 49 फिर 25 से पावर 49 प्लस 26 से पावर 49 है दिया हुआ, 49 है दिया हुआ, क्या देखे ये तो आपको 50 का कर देगा, लेकिन ये तो आपका बच जाएगा ना, सब आपका जीरो बन जाएगा, सारा रिमाइंडर ये भी जीरो देगा, ये भी जीरो देगा, दो का, लेकिन लास्ट में एक आपका 25 पे पावर 49 क्या होगा बचा हुआ रहेगा, उसमें आपको 50 से क्या करना है भाग करना है, रिमाइंडर निकाल लीजिए इसको, 25 गुना 25 पे पावर 49 का तो 48, ये तो आपका जीरो हो गया, काम खत्म, केवल हमें इसको सॉल्व करना है 25 पावर 49, एक ले लिए यहाँ पे 25 गुना 50 और यहाँ कितना मिलेगा 25 सिंप्लीफाई किए, याद रखिएगा 2 से 25 भाग देंगे रिमाइंडर एक का हो गया, लेकिन कब जब 25 से सिंप्लीफाई किए हैं तब ऑटोमेटिक है इसका रिमाइंडर कितने का आएगा, 25 गुना 50 रिमाइंडर कितने का आया 25 का आया। ऑप्शन देख लीजिए इसमें ऑप्शन कितना हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो गया उत्तर हो गया, रिमाइंडर कितने का हो जाएगा 25 का रिमाइंडर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है 25 आपका बचा हुआ था तो 25 से पावर 49 एक 25 अलग कर लिए, 25 पावर 48 25 गुना 50 25 सिंप्लीफाई कर दिए 25, ध्यान रखना है 25 से पावर 48 में 2 से भाग करेंगे रिमाइंडर कितना होगा, एक का रिमाइंडर देगा, एक लास्ट में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे रिमाइंडर 25 का हो गया, ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको आज दे रहे हैं, ध्यान से देखिए आगे बढ़िए। देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा है, 1 पे पावर 37 2 पे पावर 37 3 पे पावर 37 69 पे पावर 37 में आपको 70 से भाग देना है तो रिमाइंडर क्या होगा, डायरेक्ट देखिए 1 पे पावर n 2 पे पावर 69 1 70 दो हो जाएगा 68 70 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, इस प्रकार से देखिए 70 क्या होगा आपका 70 दिया हुआ ना तो क्या हो जाएगा लास्ट में 34 प्लस 34 प्लस क्या हो जाएगा आपका 35 5 4 तो आपको 70 को आना है 34 प्लस 36 आपका 70 कर देगा तो 34 पे पावर जो होगा आपका 37 प्लस 35 पे पावर 37 प्लस 36 पे पावर 37 जो भी होगा ये दोनों आपका रिमाइंडर कितना जीरो कर देगा 6 4 10 3 3 6 1 7 रिमाइंडर कितना कर देगा जीरो कर देगा तो फाइनली कह सकते हैं ये भी रिमाइंडर 70 हो जाएगा
इसके पहले अगर 68 है मान लेते 63 ही रहेगा, इसका भी क्या होगा 70 होगा, ये भी रिमाइंडर जीरो, ये भी रिमाइंडर जीरो, फाइनली इसका देखिए 34 36 ये भी क्या करेगा रिमाइंडर जीरो, लेकिन एक बच जाएगा आपका 35 पे पावर 37 बच जाएगा, इसमें आपको क्या करना है 70 से भाग करना, खुद बताइए 35 से पावर 37 में 70 से भाग करना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 35 कॉमन कर लेंगे 35 गुना 35 पे पावर 37 और बटा हो जाएगा 70, 35 गुना 70 पैसे सिंप्लीफाई किए याद रखिएगा यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा, दो से भाग करके रिमाइंडर एक के पावर एक कुछ भी एक गुना 35 से सिंप्लीफाई किए थे, फाइनली रिमाइंडर आपका कितने का हो गया, फाइनली रिमाइंडर आपका 35 का हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट और ये बात समझ बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 182 एक में पावर 3 में 2 में पावर 3 में 3 में पावर 3 में बढ़ते हुए 89 पे पावर 93 गया है और 90 से भाग करना है, तो आप लोग इसको बनाने का प्रयास किए, आपका ओरिएंट वर्क है, आप लोग इसको बना करके कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए किस जिसका उत्तर आ गया होगा उत्तर, फिर कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए किसका उत्तर क्या होगा, अगर आ गया हो बहुत खुशी की बात होगी कि आप लोगों को हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। इस क्वेश्चन को आप पहले देख लीजिए पूरा का पूरा, एक ही पावर 93 से लेकर के 89 पावर 93 में 90 से भाग करना है, रिमाइंडर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ एक से लेके 70 इसका रिमाइंडर कितना बनेगा 70, दो से फिर होगा आपका 69, 69 दो भी क्या होगा 71, इससे पहले क्या मिलेगा आपको 69 पे पावर 67, इसका भी क्या होगा आपका 70, इस प्रकार से क्या होगा आपका 35 है 35 प्लस 36 इससे पहले 34, इसके पहले क्या होगा आपका 37, तो 37 इसका मिलेंगे तो ये भी क्या देगा आपको 71 देगा, ये भी क्या देगा आपको 71 देगा, ये देखिए देखा कि नहीं देखा, कोई टर्म नहीं बचेगा ना, इधर बढ़ते हुए 34 35 36 बढ़ते हुए जाएंगे तो 34 37 भी आपको 71 देगा, 35 36 भी 71 देगा, कुछ बचने वाला नहीं है, मतलब फाइनली हो गया सबका रिमाइंडर यहाँ पे क्या होगा जीरो होगा, जीरो बटा 71 रिमाइंडर फाइनली क्या बन जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे आपका जीरो का हो जाएगा, क्यों क्योंकि शुरू का टर्म और लास्ट का एक इवन है एक और है, मतलब आधा दो भाग में ये पार्ट बढ़ जाएगा और 35 और 36 मिला के क्या देखिए 71 आया कि नहीं आया, कुछ मिलने वाला है नहीं ना मिलेगा, इसलिए फाइनली आपका रिमाइंडर क्या मिल जाएगा इसका भी 71 आपका सॉरी 71 ना 71 है मैं इसका भी 71 है, 71 से भाग लग गया, 71 से भाग लग गया, ऐसा नहीं कि 71 लिखना 71 से भाग लग गया बात खत्म हो गया, उम्मीद करते समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक के पावर 195 दो के पावर 195 बढ़ते हुए गए 1996 पावर 1995, देखिए शुरू का एक इवन है ऑड है और इवन है, लास्ट इवन से मतलब क्या आधा आधा भाग में बढ़ जाएगा, तो एक ही शुरुआत का आपका ऑड है और लास्ट का आपका इवन है, ऑड और इवन पहले नहीं बता, अगर सेम सेम होता है तो बीच में बचेगा एक टर्म, अगर एक इवन एक ऑड है लास्ट वाला इवन शुरुआत में एक शुरुआत का एक टर्म इवन और एक टर्म ऑड है शुरू और लास्ट में, मतलब है आधा आधा भाग में बढ़ जाएगा, आधा भाग में बढ़ जाएगा मतलब बीच में कुछ बचने वाला नहीं है, अब सोचिए ये देखिए कितना होगा 1997, इससे पहले 95 तो ये भी क्या देगा आपको, इससे पहले अगर सोचिएगा तो क्या मिलेगा 1995 पे पावर 1900 क्या मिलेगा 95, दो पे पावर पावर एन डी पे पावर एन एन डी में इसका फैक्टर क्या बनेगा 1997, यहाँ भी रिमाइंडर जीरो ये भी रिमाइंडर जीरो, फाइनली सबका रिमाइंडर क्या बन जाएगा इसमें, सबका रिमाइंडर जीरो होने के कारण इस क्वेश्चन का फाइनली रिमाइंडर क्या मिलेगा जीरो मिलेगा, क्यों मिल रहा है बीच में कुछ नहीं बच रहा है, क्यों नहीं बच रहा है क्योंकि एक इवेन है और एक ऑड है, मतलब है कि ये जो टर्म है आधा आधा दो भाग में बढ़ जाएगा और दो टर्मों का योग आपको बनेगा 1997 बनेगा, करके रिमाइंडर क्या करेगा जीरो कर देगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कैसे इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए नहीं सवाल बहुत अच्छा है, एक के पावर 57 प्लस दो पे पावर 57 प्लस तीन पावर 57 बढ़ते हुए 6 पावर 57 में भाग देना है आपको 194 से 194 से, कैसे सॉल्व किया जाए, ए पे पावर एन प्लस बी पे पावर एन इसका एक फैक्टर क्या होगा 96 1 97, अगर इसका हम फैक्टर करते हैं तो 97 गुना 2, अगर इसका मतलब है कि इसमें 57 से तो भाग लग जाएगा, अब देखिए अगर इससे पहले क्या होगा कुछ सोचेगा 95 प्लस 97 इसका भी एक फैक्टर क्या बनेगा 97, मतलब सबका एक फैक्टर 97 क्यों शुरू का इवन है लास्ट का ऑड है तो आधा आधा भाग में बटेगा और सबका आपका लिस्ट क्या मिलेगा 97 का मिलेगा, बीच में कुछ कोमल बचने वाला टर्म नहीं है सबका, ये तो क्लियर हो गया किसमें 97 से तो भाग लग रहा है, लेकिन अब अगर दो से भी लग जाता तो हम कहा देंगे कि समय से भाग लग गया, दो से कैसे भाग लगेगा, देखिए यहाँ एक ऑड है एक इवन है, एक ऑड है एक इवन है शुरू का इवन है, अब देखिए ऑड इवन ऑड इवन करते जाएंगे इसका योगफल क्या कर देगा ये आपका, इसका योगफल क्या होगा इवन हो जाएगा, ये ऑड है फिर इवन है जिसमें इसका मतलब है एक से लेकर के कहां गए 96 तक गए तो आधा टर्म आपका ऑड का होगा आधा टर्म आपका इवन का होगा, मेरी बात समझिए आधा टर्म ऑड इवन तो आपको इवन ही देगा, आधा टर्म आपका ऑड का है 96 का टर्म गया इसे मिला के 48 टर्म आपका ऑड का है और 48 टर्म इवन का है, अगर दो टर्म ऑड का लेते हैं ऑड और ऑड
तो इवेन बन जाता है। मतलब क्या ऑड और ऑड, अगर ऑड की संख्या अगर इवेन में हो, मतलब क्या हो गया ऑड हो गया और 48 टर्म है, ऑड को अगर इवेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये भी इवेन बन जाएगा और 48 तो इवेन बचेगा। इस टोटल टर्म में से 48 टर्म आपका इवेन है और 48 टर्म आपका ऑड है, इवेन वाला तो आपको इवेन देगा 48 टर्म और 48 जो टर्म बचा हुआ है ऑड, वो चूंकि ऑड क्या है 48 टर्म है, अगर ऑड दो टर्म में होगा ऑड जो ऑड इवेन, ऑड अगर चार टर्म में होगा तो चार गुना ऑड, ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड क्या होगा इवेन बन जाएगा। इस प्रकार से ऑड आपका 48 टर्म में गया हुआ है, ऑड टर्म 48 बार है, सबको जोड़ेंगे लास्ट में क्या मिलेगा इवेन, तो इवेन प्लस इवेन आपका क्या होगा इवेन हुआ। इसका अगर ये संख्या इवेन है मतलब इसमें कितना से भाग लगेगा, दो से भी भाग लगेगा, मतलब 5 में 57 में 57 से भाग लग रहा हो, 2 से भी लग रहा हो, इसका मतलब है इस संख्या में कितना से भाग लग रहा है 194 से भाग लग रहा है, ये वजह से 94 होगा। ना कि कुछ बच्चे ऐसे पढ़ रहे होते हैं, इस चीज को आप लोग उसको समझ रहे होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, हम मिटा के समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको कि डायरेक्ट हम किस नहीं कह सकते हैं, कैसे नहीं कह सकते हैं, उसका वजह क्या है ये समझिए। यहाँ पे देखिए कुछ टीचर क्या कहते हैं 97 हो गया, यहाँ 97 प्लस 97 कर दिए, फिर क्या कहेंगे सब मिला के 94 में से दो टर्म हुआ, सब मिला के क्या कहेगा 48 टर्म तक गया और भाग देना है कितना से 94 से। देखिए ये नहीं करना है 194, ये आपसे रिमाइंडर थोड़े ना आपको मिल रहा है 97, ये दोनों का एक फैक्टर 97 है, रिमाइंडर 97 नहीं है जो आप रिमाइंडर को लिख रहे हैं यहाँ पे, ये रिमाइंडर नहीं बच रहा है। आप 97 प्लस 97 करके 94 करके आप उत्तर मिला देंगे, 94 हो गया, कट गया, बात खत्म, लेकिन ये नहीं है। अगर यहीं पर अगर 34 अगर दोनों का टर्म बराबर था तब ना अलग अलग हो जाता तो फिर नहीं कटता, 100% नहीं कटेगा। कॉन्सेप्ट सही पकड़िए, हमारी बात उसी बच्चे को समझ में आ रहा होगा जो डीपली अध्ययन हमारे पास कर रहे होंगे। ये अगर 97 और ये भी 97, इसका मतलब ये नहीं 94 से भाग लगेगा, क्योंकि 97 इसका रिमाइंडर नहीं है, फैक्टर 97 है, फैक्टर 97 है, रिमाइंडर 97 नहीं, रिमाइंडर को आपस में जोड़ देंगे यहाँ पे, 97 प्लस 97 नहीं कर देना है, 97 इसका रिमाइंडर नहीं है, फैक्टर बन रहा है, इसलिए आप कभी ऐसा मत कीजिए 97 कर दिए 194 हो गया बात खत्म, नहीं ये गलत कॉन्सेप्ट है। उत्तर आपका मिल रहा है इस वजह से क्योंकि इसका एक फैक्टर 97, एक फैक्टर आपका 2 है, 97 और 2 है मतलब 194 से भाग लगेगा। जो पीछे आपको क्वेश्चन बताए थे ना 8 पे पावर करके, वहां देखिएगा अगर वहां भी इस टर्म का ऐसी कॉन्सेप्ट का वहां प्रयोग करेंगे तो भी से भाग लगने वाला रिमाइंडर तो आपको मिलना चाहिए था 0 का, लेकिन रिमाइंडर 0 का वहां नहीं आ रहा था क्योंकि उसका फैक्टर इवेन के आधार पर नहीं निकल रहा था। ध्यान रखिएगा, ये देखिए कि 97 से भी लग रहा है और योगफल आपका इवन टर्म में आएगा, इवन में आएगा मतलब 2 से भाग लगेगा, इसका मतलब है फाइनली कितना से भाग लगेगा 194 से भाग लगेगा। ये काम मत कीजिएगा, ऐसा नहीं करना है कि फैक्टर को लिख दिए, गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। आपको 32 से भाग करना है, अब ध्यान दीजिए फिर यहाँ कहेगा सर पी पावर एन बी पावर एन है तो इसका एक फैक्टर बनेगा 83-52 लिख देते हैं, लेकिन नहीं वो नहीं करेंगे, ये फैक्टर बनेगा वो नहीं करना है। ध्यान रखिएगा यहाँ 17 है, कैसे सॉल्व करेंगे पहले देख लेते हैं, हमें भाग किससे करना है 32 से, तो 32 का टोसेंट जो है निकालेंगे 2 पे पावर 5, मतलब टोसेंट क्या निकल जाएगा इसका 32 × 1/2 मतलब कितना हो गया 16, मतलब 32 का टोसेंट 16 होता है, इसे जब इसमें 16 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 का आएगा, तो फाइनल रिमाइंडर 83 मिलेगा, यहाँ 52 मिलेगा, टोसेंट 16 है, रिमाइंडर 1 का बचेगा, यहाँ 84 हो गया आपका, यहाँ 84 और यहाँ 53 बटा कितना हो गया 32, इसलिए नहीं ये इसलिए आया है क्योंकि 32 का टोटल 16 है, 16 से भाग करें रिमाइंडर 1 का मिला, रिमाइंडर 1 मिला इसलिए 83, रिमाइंडर यहाँ 1 का मिला 52, इसलिए आपका यहाँ पे लिखा जा रहा है, इसलिए नहीं कि विषम संख्या है एक फैक्टर लिख दिए, नहीं अगर ये 17-16 के अगर यहाँ पे आपका 19 रहता तो फिर नहीं करते इस काम, नहीं कर पाएंगे इस काम, ब्रेन में समझिए आप, कब ये विषम के आधार पर नहीं, ये टोटल के आधार पर आपका ये आ रहा है। आप उत्तर मिलाने के लिए कुछ सोच मत उल्टा पुल्टा लीजिए, इस बात को समझिए, ये पे ये आपका 17 है, 17 इसका 32 का टोटल 16, 16 से भाग की रिमाइंडर 83 आ रहा है, अगर ये 19 होता तब आपका भाग करके पावर 3 83 में पावर 3 तो फिर उलझते रह जाते, तब आप चाहते कि बनाने के लिए नहीं, क्वेश्चन का पैटर्न होता है और लॉजिक सही पकड़ के रखिए, गलत मत सीखिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आप सबको सॉल्व करके निकाल लीजिए, 83-84 हो जाएगा, 4 × 3 = 7, 8 × 8 = 16 और ये हो जाएगा 3 × 2 = 5, 5 × 5 = 10 बटा कितना हो गया 32, उम्मीद करते समझ में आया हो, 4 × 3 = 7, 8 × 8 = 16 बच गया 1, 8 × 8 = 16 हो जाएगा, 5 × 3 = 10 ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 घटा दीजिए 62 बटा 32, 32
64, इसका मतलब हो गया रिमाइंडर कितने का हो गया, रिमाइंडर इसका 30 का हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा। ये 83 और बहुत टीचर ये भी बताएंगे कि पावर विषय में सबको हटा दो, अरे भाई 17 था इसलिए हटा दो, यही 19 होता तो थोड़ी आप हटा पाते, अगर 47 का थोड़ी हटा पाते, ये हटा इसलिए रहा है क्योंकि 32 का टोशन आपका 16 हो रहा है, 16 से भाग के रिमाइंडर 1 का बचा है। बात समझ रहे हैं हमारी ना, इसलिए नहीं क्या पावर एन था हटा दिए लिख दिए, वो गलत कॉन्सेप्ट है, गलत कॉन्सेप्ट मत सीखिएगा। अगर यहीं पे 19 होगा तो फिर ये काम नहीं हो पाता। बस समझ रहे हैं, ये मत समझे कि विषम है तो पावर फैक्टर कर दिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट आसान सवाल है। आप नीचे अगर 62 लगा हुआ रहे तो रिमाइंडर कैसे पता करते हैं, बड़ा आसान है। देखिए एक तरीका, आप लोग सोच रहे होंगे इसका फैक्टर किए पावर एन बी पे पावर एन आधार हो गया, पावर विषम संख्या फैक्टर 31 का हो गया, फैक्टर 31 का हो गया। कुछ टीचर बोलेंगे 31+31 = 62 कर दो काम खत्म, लेकिन नहीं वो तरीका गलत है। आंसर आप मिला रहे हैं लेकिन वो तरीका गलत है, क्योंकि 31 उसका रिमाइंडर नहीं फैक्टर है, सारे फैक्टर को थोड़ी ना आप जोड़ देंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, करना क्या है, ये 31 हो गया क्योंकि इसका लॉजिक आप पीछे क्वेश्चन में आपको बताएं जाके देखिए, आज 8 पे पावर 3 करके 4 पे पावर 3 करके बताए थे। अगर उस पर अगर इस लॉजिक को मानेंगे कि दोनों का फैक्टर निकाल के जोड़ दे 24 से भाग लगना चाहिए था, लेकिन भाग कहाँ लग रहा था, क्योंकि वो लॉजिक गलत है। लॉजिक यहाँ जो बता रहे हैं अभी जो बताएं वो समझिएगा, कभी भी इसका पावर इसके फैक्टर को जोड़ के नहीं लिखना है। देखिए 31 है, 31 का मतलब क्या होगा, 2 × 31 मतलब इस टर्म में अगर 62 से भाग 31 से 31 की दोनों साइड में है, 31 तो कॉमन आया, इसका मतलब 31 से तो भाग लगेगा, इसका मतलब इसमें 31 से आपका भाग लगेगा क्योंकि 31 इसका भी फैक्टर है, 31 का फैक्टर 31 कॉमन कर लेंगे, 31 से पूरा का पूरा भाग लग गया, बचा गया 2 से भाग लगना। 2 से भाग कब लगेगा, जब ये सम संख्या हो। देखिए ये आपका क्या है हम जानते हैं, ऑड माइनस इवन प्लस ऑड माइनस इवन प्लस इवन और माइनस ऑड, ये ना है। अब देखिए यहां ऑड माइनस इवन क्या होगा, ऑड ऑड प्लस इवन क्या होगा, ऑड ऑड माइनस ऑड आपका क्या होगा। जैसे आपका मान लीजिए 9 में से 3 गया कितना 6, ऑड में से ऑड गया क्या हो गया आपका इवन हो गया। मतलब इस पूरे टर्म को जब हम सॉल्व कर रहे होंगे, जब सॉल्व करेंगे लास्ट में क्या मिलेगा हमें, इवन मिलेगा। मतलब अगर इवन मिल रहा है इसका मतलब इसमें किससे भाग लग रहा है, 2 से भाग लग रहा है। अगर किसी में 31 से भाग लग रहा हो, 2 से भाग लग रहा हो, इसका मतलब है कि पूरे संख्या में किससे भाग लग रहा है, 62 से भाग लग रहा है। इट मींस इसमें रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर 0 का हो गया। इसका मतलब ये कभी मत आप लोग समझिएगा, हम बार बार समझा रहे हैं, इसका मतलब ये कभी मत समझिएगा कि ये कि इसका विषम पावर था हटा दिए केवल सबको जोड़ देने, वो तरीका गलत है। वो ऐसा मिलेगा 2 × 2 = 4 होता है, 2 × 2 = 4 होता है, इसका मतलब ये नहीं कि गुना जो बराबर होता है। 61 62 है मतलब 2 और 31 से भाग लगना चाहिए। 31 तो देखिए 31 इसका भी फैक्टर है, 31 इसका भी फैक्टर है, 31 फैक्टर है, भाग लगा दिए। अब बचा क्या 2, अगर 2 से भी भाग लग जाए मतलब 62 से भाग लग जाएगा, 2 से भाग कब लग गया, जब ये आपका इवन हो, तो ऑड माइनस इवन ऑड प्लस इवन आपका ऑड होता है, और ऑड माइनस ऑड अगर ऑड में ऑड को घटा दें, जैसे मान लीजिए 7 में से 5 घटाए 2, 17 में से 15 घटाए 2 और इवन होता है, मतलब पूरा टर्म इवन है। इवन का मतलब 2 से भाग लगा, क्योंकि इसमें 31 और 2 दोनों से भाग लग रहा है, इसका मतलब इसमें कितना से भाग लग रहा है, 62 से भाग लग रहा है। तो सही कॉन्सेप्ट ये है आपका, इसको आप करिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कच्चा क्वेश्चन है। 3,033 पावर 5555 पावर 3,233 याद रखिएगा, ये ट्रिक है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। एपे पावर बी प्लस बीपे पावर ए में अगर ए प्लस बी से भाग दे तो रिमाइंडर 0 का होता है, कब, जब ए और बी आपको ऑड नंबर हो, केवल ऑड नंबर। एपे पावर बी बीपे पावर ए में ए प्लस बी से भाग देंगे रिमाइंडर 0 का होगा, कब, जब ए और बी दोनों आपका ऑड नंबर हो, याद रखिएगा, जब दोनों ए और बी आपस में ऑड नंबर हो। ऐसा नहीं कि केवल ट्रांसफर हो जाए, जैसे मान लेते हैं 2 पे पावर 5 और 5 से पावर 2 में 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 का नहीं होगा, कभी नहीं होगा। 2 पे पावर 5 32 25 49 32 और 25 जैसे 47 57 आता है, 7 से भाग लगाइए नहीं लगेगा, हमेशा भाग लिया है कब, ए पे पावर बी और इसका आधार उसका बेस, उसका आधार इसका बेस हो और दोनों आपस में विषम संख्या तो भाग रिमाइंडर 0 का होगा। इसका मतलब है इस संख्या को भाग देंगे किससे भाग जाएगा, 3,333 प्लस 5,555 5 × 3 = 8 कितना 8,828 से भाग लग रहा है, इसका मतलब है इसमें भाग लग जाएगा 8 × 1 8 × 1 = 111 8 से भाग लगेगा किस संख्या में, 8,828 से भाग लग रहा है, इसका मतलब है उसमें 8 से भाग लगेगा और 1111 से भाग लग रहा है, मतलब इसी लगेगा इसी लगेगा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो इस ट्रिक याद रखिए, बहुत छोटा है, केवल एग्जाम में आया हुआ है, आप लोग को हम बता दें, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, 190
एक्स बराबर फैक्टोरियल का स्क्वायर, फैक्टोरियल दो का स्क्वायर, फैक्टोरियल तीन का स्क्वायर, डॉट 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 फैक्टोरियल 2008 का स्क्वायर दिया हुआ है। आपको पता करना है 5 में पावर 2 एक्स में 13 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही यूनिक सवाल है। आप लोग ये आपका रेंट वर्क है, इसको आप लोग सॉल्व करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम सोल्यूशन लेकर के आएंगे। बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है, लग रहा होगा बहुत कठिन, लेकिन बन जाएगा 2 सेकंड में, बस तरीका सीखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम सोल्यूशन तरीका बताएंगे, क्या तरीका है, ऐसे आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। बनाने के बाद जो मिले उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप लोग को बहुत समझ में आया होगा, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट आपको दिए हुए, बस शुरू से लेकर के लास्ट तक के क्लास को ध्यान से आज का देखिएगा। और आज का वीडियो अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो पार्ट 2 जाकर के जरूर देख लीजिएगा। और क्वेश्चन मेथड जो बताए, फॉर्मेट जो बताए, वो सबको एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा हाई लेवल का प्रश्न आज हम लोग कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल समझ में जरूर आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो ठीक है, तैयारी कीजिए सही से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही औसम औसम सवाल के साथ।